नमस्ते दोस्तों, दिल की बात अपनों के साथ बाय गौरव गुंजा गुप्ता में इस बार आप सबके लिए एक नज्म लेकर के आया हूँ जिसका नाम है पतन। ये बात है अगस्त 2016 की, जब मैं सिंगरौली मध्य प्रदेश में था। इस नज्म के अंत में आप देखेंगे कि हम सब इंसान मिलकर कैसे इस इंसानियत को खत्म कर देते हैं। सुनिए मेरे साथ नज्म पतन। शाख से पत्तों को फिर टूटते देखा है, हाँ मैंने रिश्तों को करीब से देखा है। रेत के ढेर से एक पत्थर को छांट, तराशा है बड़ी नजाकत से, हटाकर रेत उसके जिस्म से दिया है दीवारों पर टांग। हाँ मैंने उस पत्थर को फिर रेत बनते देखा है, शाख से पत्तों को फिर टूटते देखा है। वो कॉन्क्रीट के जंगल और ऊंची मीनारें, ऊंची मीनारों पर एक छोटी सी मुंडेर, मुंडेर पे रखा एक छोटा सा गमला और गमले से झांकता एक छोटा सा पीपल। हाँ मैंने दरख्तों को दफन कर कुछ यूं आबाद होते देखा है, शाख से पत्तों को फिर टूटते देखा है। सलीके से बने मकानों की कतार, चमकते हैं शीशे पर बेजान सी दीवार, दीवारों के पीछे भी सलीके के कुछ लोग, अपने में खोए अजीब से कुछ लोग, और इधर बेतरतीब से फैले मकानों का जाल, शीशे नहीं है पर बतियाती दीवार। गलियों का मोहल्ला है या मोहल्ले में गली, खुशी है एक घर तो मिठाई मोहल्ले में चली। हाँ मैंने एक शहर को, एक शहर में तो हिंदुस्तान को देखा है, शाख से पत्तों को फिर टूटते देखा है। किसी ने बिठाया मंदिर में तो किसी ने दिया मस्जिद का नाम, सुंदर है मंदिर की घंटी और पाक है मस्जिद की अजान। केसरिया भी वही है और वही है हरा, उसने तो लहू का रंग भी एक ही है गढ़ा। फिर चली केसरिया टोली लेकर श्री राम का नाम, और उधर चले हैं बंदे कहते बिस्मिल्लाह रहमान। लाल है चौखट लाल दीवार, लाल हाथ है लाल है गाल, लाल है कुर्ता लाल है साड़ी, लाल है बुर्का लाल है दाढ़ी, लाल सड़क है लाल है डाली, लाल मोहल्ला लाल है नाली। हाथों में तलवार और आंखों में खून, हाँ मैंने गिद्धों को गलियों में घूमते देखा है, हाँ मैंने शहर में शमशान होते देखा है, शाख से पत्तों को फिर टूट